हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो अब एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और एक नए चैप्टर में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो पिछले जो है हम लोग 10 चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और 11वां चैप्टर हमारा जो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या हैं। ठीक है, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि हमें फिजिक्स ही पढ़नी है, ऐसा नहीं कि खाली हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, ऐसा नहीं कि हमें क्या करनी बायो पढ़नी है। ठीक है, ना तो फिजिक्स अकेले पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, ना तो केमिस्ट्री अकेले पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, ना तो बायो पढ़ने से। अगर तुम्हें प्राइवेट करना है तो पढ़ लो बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें करना है गवर्नमेंट MBBS, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारे अगर तुम्हारे घर वालों के सपने हैं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो चीज़ अपनाना पड़ेगा, वो स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो लोगों से हटके हो। अगर भीड़ भी क्या कर रही है कि पूरी किताब को लेके, पूरी मटेरियल को लेके बैठ के पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि आपके एग्जामिनेशन 5 मई पहुंच गए। ठीक है, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, आपको जो पढ़ना चाहिए वो आपने नहीं पढ़ा, जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए वो आप बैठ के क्वेश्चन लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे तब तक क्या होगा, आप केवल कंपटीशन में भीड़ बन के रह जाएंगे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं कि पिछले 9 चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, 10वां चैप्टर है जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे तो इसमें जितने भी टॉपिक आज तक क्वेश्चन बने हुए नीट से, कितने टॉपिक हैं कुल मिला के, एक से लेके यहां पे देखेंगे 7 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक? 7 टॉपिक। जब आपके पूरे किताब में आज तक जितने भी क्वेश्चन नीट में बने हुए हैं वो तुम्हारे कितने, 2018 से लेके 23 तक, 2018 से लेके 23 तक पिछले 6 सालों में कितने टॉपिक हैं तुम्हारे, कितने टॉपिक हैं यहाँ पे, 7 टॉपिक हैं। लेकिन 2018 से लेके 23 तक कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लो तुम्हारे सामने, क्या है तुम्हारे सामने है। पहला जो आपका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान का मेजरमेंट करना, मापना, यहां से 2018 से लेकर 23 तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अपना टाइम यहां पे बर्बाद ना करो, नहीं तो तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन 2019 में तो पूछा गया है, लेकिन 2020, 21, 22, 23 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो अब क्या इसके को लगाना है कि नहीं लगाना? अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो थर्मल एक्सपेंशन को क्या करना है, आपको लगा लेना है। क्यों लगा लेना है? क्योंकि 2019 में क्वेश्चन इधर पूछा गया है और 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या करना, थर्मल एक्सपेंशन आपके टाइम के अकॉर्डिंग अगर टाइम बचेगा तो लगा लेना, लेकिन पिछले 4 सालों में इधर क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएंगे, तो जैसे 19 में थर्मल एक्सपेंशन पूछा गया तो यहां पे क्या कर दिया गया, 2020 में तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसको भी क्या करना, आपको लगा लेना है, बाकी आपको पहला छोड़ देना है। उसके बाद कैलोरोमेट्री है, कैलोरोमेट्री से यहां से अभी आप तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, पूछा गया है, तो यहां पे आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय की कीमत समझो, जो समय की कीमत को नहीं समझा वो समय आपको नहीं समझेगा। इसीलिए क्या करेगा, हीट ट्रांसफर जो बेटा है, हीट ट्रांसफर से क्या है कि 2022 में एक क्वेश्चन, 2018 से एक क्वेश्चन, तो ये आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में 21 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर इनमें सभी में सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, हीट ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर है। ठीक है, हीट ट्रांसफर में देखेंगे जिसमें कर्नाट साइकिल वगैरह, कर्नाट इंजन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, अगर हम इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, इन 4 टॉपिक, मतलब 7 टॉपिक में से हम क्या करेंगे, 4 टॉपिक को पढ़ेंगे और 3 टॉपिक को क्या कर देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। देखो ऐसा करने से फायदा आपका इसलिए है कि आपका टाइम बचेगा और टाइम बचने के साथ साथ आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, आपको वही पढ़ना जो आपके 5 मई एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।